अभी हम बद्रीनाथ मंदिर की ओर जा रहे हैं। इस समय आप देख सकते हैं कि बर्फ कैसे, ये हमारी गाड़ी है मेरे आगे जो चल रही है, छत इसकी आप देखिए पूरी बर्फ से ढक गई है। साइड में लगा दे बिल्कुल, पीछे बताओ ना जगह है। हाँ हाँ है ना, है वो तो उसी के लिए तो। चलिए चलिए बस सीधा कर लो, सीधी कर लो बस 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 बस। देख सकते हैं इस समय कितनी बर्फ पड़ रही है, सभी तीर्थयात्री बर्फ में दर्शन करने जा रहे हैं। क्या बात है, इतना मोहक नजारा है। लो जी अब हम बर्फ में ही बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ये देखिए जी, यहाँ से मंदिर के दर्शन कीजिए। बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन, स्नोफॉल हो रही है उसके बीच में आप बद्रीनाथ का दर्शन कर सकते हैं। नीचे देखिए अलकनंदा नदी का विहंगम दृश्य, क्या बात है जी, वाह अद्भुत नजारा। आप पेड़ देखिए किस तरह से बर्फ से ढक गया है, यहाँ चारों तरफ इस समय बर्फबारी हो रही है और हम इसी के बीच में दर्शन करने के लिए मंदिर में जा रहे हैं। ऊपर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही है और इस बर्फ के बीच में जय बद्री विशाल की जय हो, जय बद्री विशाल। अभी हम यहाँ दर्शन के लिए आए हैं और इस समय अच्छी प्रकार से बर्फ पड़ रही है, आप इस बर्फ को देख सकते हैं। मैं आप बर्फ में इस पूरे मनोहर दृश्य को देखिए। बहुत तेजी से यहाँ बर्फ पड़ रही है, आपको सामने का दृश्य दिखाता हूँ। अभी सामने के रास्ते से हम आए हैं, इस समय धुआं कुछ ज्यादा उठ रहा है। ये जो तप्त कुंड है वहां से ये आप धुआं देख रहे हैं तप्त कुंड से, और ये अलकनंदा नदी बर्फ के बीच में आप दर्शन कीजिए। नंदी जी के ऊपर गरुड़ शिला है ये नीचे,
नारद कुंड, श्री नारद कुंड महात्म, कई कथाएं बद्रीनाथ धाम के साथ जुड़ी हुई हैं। चारों तरफ आप देख रहे हैं कि केवल बर्फ ही बर्फ सब ओर गिर रही है। जय बद्री विशाल। यहाँ काफी यूट्यूबर्स इस समय, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। सभी अपनी अपनी स्टोरी बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। बाइक पार्क करी, फिर मैंने होटल लिया, उसके बाद स्नोफॉल शुरू हुआ। ये देखिए जी, सभी यहाँ मोबाइल से अपनी स्टोरी बना रहे हैं। और चलिए जी, अब हम दर्शन के लिए अंदर जाएंगे। जय बद्री विशाल। अरे मेरी बात सुनो भैया, इसको फोन दो, फोटो खींचो। जय बद्री विशाल। दर्शन के पश्चात अभी हम यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। रात्रि में एक बार आपको मंदिर के दर्शन करा रहा हूँ मैं। ये पूरा बारिश में, बर्फबारी में, धूप में और रात्रि में आपको भगवान बद्रीनाथ के दर्शन भव्य स्वरूप के। 3 दिन बाद किवाड़ बंद हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि आज कितनी बर्फ पड़ी यहाँ पर। ये सारी बर्फ आज जो पड़ी है, ये पेड़ पूरे बर्फ से ढके हुए हैं। और अभी हम रावल जी द्वारा 5:30 बजे जो आरती की गई वो करने के पश्चात निकले हैं। और अब हम आज रात्रि जोशीमठ में विश्राम करेंगे, PWD गेस्ट हाउस में। जय बद्री विशाल। जय हिंद, जय भारत। निर्मल रतनलाल वैद्य के चैनल के साथ जुड़े रहिए और ऐसे ऐसे भव्य दर्शन आपको प्रभु कृपा से मिलते रहेंगे। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।